हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। यार, हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया सीबीएसई इतनी जल्दी डिसीजन इस बार ले लेगा। आपको पता है सारा सिलेबस सैंपल पेपर सीबीएसई ने रिलीज कर दिया है, तो मैं जल्दी से आप लोगों को बता देता हूँ। अच्छी बात यह है कि सैंपल पेपर के साथ भी लॉन्च किया और वैसे लेट करती है वो सैंपल पेपर, आपका सिलेबस भी आ चुका है और साथ में सैंपल पेपर भी है। तो एक छोटा सा आइडिया देते हैं कि आपको कहाँ से आपको डाउनलोड करना है और कैसे आपके पैटर्न को चेंज किया गया है, क्योंकि आपका एनसीईआरटी ने जो अपना टेक्स्ट बुक से उसको रिवाइज किया था, अब ये क्लियर नहीं था कि आपके सारे टॉपिक्स आएंगे नहीं आएंगे, कुछ डिलीट होगा, लेकिन अब वो चेक करते हैं आपका ऐसा पैटर्न देख। मुझे लगता है ना इसलिए जल्दी रिलीज कर दिया क्योंकि कई बार क्या बहुत ज्यादा र्यूमर्स फैल जाते हैं और बच्चे बहुत परेशान होते हैं। तो मैं जल्दी से दिखा देता हूँ आपको करना क्या है। अगर आप सबसे पहले सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। अब अगर आप इसमें एकेडमिक पे जाते हो तो अगर आपको इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा, सबसे पहले ही आपको दिख जाएगा यहाँ पे, देखो सैंपल पेपर और ये पूरा, आप इस पर क्लिक कर देना, एक सर्कुलर रिलीज हो जाएगा जिसमें यही सब बताया गया होगा कि आप हमारे सैंपल पेपर आ चुके हैं, ये आपका कोर्स है, सब कुछ दिखा देंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको नीचे अगर आप जाओगे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे देखो आपको दिख जाएगा पूरा। अगर आपको सर्कुलर ये पढ़ना है तो वो आप देख सकते हो। अब ये देखो ये 9th-10th का और ये 11th-12th का है। तो अगर मैं 9th-10th पे क्लिक करूंगा तो जैसे हमारे जो मेन सब्जेक्ट होते हैं जैसे मैथ साइंस, तो यहाँ पे आप करोगे मेन सब्जेक्ट पे क्लिक तो देखो मैथ साइंस सोशल साइंस तीनों आ गए। अब यहाँ पे अगर मैंने मैथमेटिक्स पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स में क्या क्या सिलेबस है और उसका दूसरा कितने नंबर का कौन मतलब कौन सा चैप्टर आएगा, बेसिकली ब्लूप्रिंट की बात करें। देखो ये है जैसे नंबर सिस्टम 10 मार्क्स का है, एलजेब्रा 20 मार्क्स का है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 4 मार्क्स का, ज्योमेट्री 27, मेंसुरेशन 13, स्टेट्स आपका 6 मार्क्स का। तो ये अब इन यूनिट्स में, ये आपकी यूनिट होती हैं। कुछ बच्चे कन्फ्यूज होते हैं सर चैप्टर वाइज कुछ होता है, चैप्टर वाइज नहीं होता, यूनिट वाइज ही सीबीएसई सब हमेशा बताती है। ये पहली बार नहीं हो रहा, ये हमेशा होता है, कुछ लोग इस पर व्यूज बनाते रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब ये अगर ये यूनिट 1 है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कौन कौन से चैप्टर हैं। तो यार नंबर सिस्टम में एक ही चैप्टर रहता है रियल नंबर, और इसके बाद एलजेब्रा में आपके 4 चैप्टर्स रहते हैं, वो मैं आप दिखा देता हूँ। बाकी होते हैं पॉलीनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड क्वाड्रेटिक। तो ये 4 चैप्टर्स आपके रहेंगे, तो ये आपको चारों चैप्टर्स करने। इसके बाद ज्योमेट्री आपका आ जाएगा जिसमें आपके ये चैप्टर्स, ये 9th का है बेसिकली, अगर हम आगे जाएंगे तो आपको 10th का भी मिल जाएगा। तो जितने बच्चे 10th के हैं ये 9th का बेसिकली दिख रहा है। अभी मैं 10th का भी आपको दिखा देता हूँ, उसमें भी इसी तरीके से रहेगा। ये है कोर्स स्ट्रक्चर फॉर क्लास 10, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारी चीजें, 80 मार्क्स का टोटल है। तो ये आप फटाफट देख लेना, मैं सारी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। अब रही बात सर हम सब ये कब सॉल्व कर, संतोष सर कब करवा रहे हैं सॉल्व? यार देखो अभी हल्का सा हमें आइडिया मिल गया है, बाकी ये चेक करना पड़ेगा एग्जैक्टली कुछ पार्ट डिलीट हुआ ही नहीं हुआ है, और साथ में जितने भी सैम्पल पेपर हैं चाहे वो साइंस का हो चाहे मैथ्स का सोशल साइंस का, वो सब आपको मिलेगा लाइव इस प्लेटफॉर्म पे। तो अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो भी अपकमिंग बैचेस हैं क्लास, देखो अब सिलेबस आ गया है तो सर बैच जो अपकमिंग आने वाला है उसका डिटेल अनाउंसमेंट करेंगे और हल्का सा अनाउंसमेंट कर भी दिया है। तो मुझे लगता है सर अगर ये चीज आ गई है तो हमें मतलब बच्चों साथ जुड़ना पड़ेगा और ढंग से मेहनत करते हैं, और कल ही हम लोग सारा कुछ सॉल्व करवा देंगे इसका। हम लोग कल तक आपको सारी चीजें बढ़िया से मिल जाएंगी, इसकी गारंटी सर लेते हैं। देखो सीबीएसई साफ साफ क्लियर कर दे रही है कि आपका सिलेबस 1 अप्रैल से आ गया, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि पैटर्न पे आप टफनेस दिखने को मिले, वो कॉम्पिटेंसी चेंज करें, लेकिन सिंपल है, आप स्टार्टिंग से पढ़ोगे एंड तक तो मेरे ख्याल दिक्कतें आपको आएंगी नहीं। इसीलिए पूरा सिलेबस को रिगार्डिंग और साथ में जो भी कॉन्टेंट है कैसे कैसे हम चलेंगे वो सब कुछ आने वाला है, बस आपको स्टार्ट करना है और अप्रैल 1 से स्टार्ट करना है और एंड तक आपको चलना है। और अगर आपको देखो 10th में अगर अच्छा स्कोर करना है, देखो आपको पता है ये पहली सीढ़ी होती है, जब 9th से 10th में आता है तो मतलब सब लोग प्रेशर करने लेते हैं 10th में आ गए 10th में आ गए, तो यार आपको भी प्रेशर फील कर रहे हो गया 10th में आप आ गए हो, बोर्ड एग्जाम आपके आ जाएंगे। तो मैं यही कहूंगा कि यार जो भी कहीं भी पढ़ रहे हो ना तो आप स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दो, है कि बस एंड में ये देखो चीजें ना ज्यादा फैलनी नहीं चाहिए, आपको पता सिलेबस आ गया एग्जैक्टली क्या सिलेबस है कहां से डाउनलोड करना है ये सब कुछ हम दे देंगे आपको टेलीग्राम पे, ज्यादा आप चेक मत करो और बाकी इसको स्टार्ट करना और कुछ नहीं करना, बस सिलेबस मिल गया अब उसको स्टार्ट करना। और बाकी प्लेटफॉर्म पे नए हो जल्दी से लाल बटन दबा देना और जाते जाते अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी शेयर कर दो और स्टार्ट करते हैं इसको। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग हियर। बाय बाय टू ऑल, बाय बाय।